मजा है सूरज, सुकून है भाई, है ना, सुकून यहाँ पे, ताजी ताजी हवाएं चल रही है, पहाड़ियों के बीच में ये ज़ियारत शरीफ है यहाँ ऊपर। ये बंदा बता रहा था मैं कोई अच्छा सा कश्मीरी सॉन्ग लगाऊंगा, लेकिन देखो इसने क्या लगाया। कल से था अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो वेलकम हो गया आप सबका एक नए व्लॉग में, एक फ्रेश व्लॉग में। तो अभी अरे हटना जब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ नहीं मच्छी वहाँ तेरे साथ। तो हमारे साथ है अभी सुरेश साहब, जिनकी चैनल आज बहुत ग्रो हो रही है, पता नहीं कैसे हो रहा है ये सब। भाई ये क्या कमेंट है, प्लीज हेल्प कीजिए, अरे यार ये मेरी लाइफ। तो फिलहाल अभी हमें जाना है कंगन मार्केट तक, वहाँ से कुछ चीज़ें लानी है घर के लिए, गेस एक्स्ट्रा। हाँ तो व्लॉग का स्टार्ट हो गया, बाकी देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या कुछ रहेगा। ओके आपको कुछ कहना है? बस खुश रहो, खुशहाल रहो और कश्मीर हमें जिंदाबाद। सपोर्ट करो और कश्मीर जिंदाबाद, वो तो है ही। एंड शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। ये मेरी चैनल नहीं है, इसकी चैनल है। सो इसने बस बस सपोर्ट बस करा, मैंने एम करा, भाषण से बाय। डर मैं बस माफी मंगा अवामस, मैंने इसको मतलब बोला कुछ मत बोलोगे, माजरत खाऊं मैं, माजरत खाऊं। सो हाँ तो फिलहाल अभी हम निकल जाते हैं घर से। ओके ओके ब्रो, चलो, बाय बाय। हाँ जी चलो जल्दी जल्दी से भाग जाते हैं हम, क्योंकि दायू बता रहा है मैं भी आऊंगा। चल भाई बिस्मिल्लाह तआला, खुदा सहल कर जी। ओ भाई साहब हम बाल बाल यहाँ तक पहुँचे, दगा दे दे कि हमने गाड़ी यहाँ तक पहुँचाई। अभी यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ पे सूरज गया है लाने पेट्रोल। मसला क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी में तेल कम है। ये देखो मैं चला हूँ जो डिम सेल होती है ना 76 किलोमीटर, बस एवरेज होती है 120। हमारे एरिया में एक बेनिफिट है, यहाँ पे प्राइवेट पेट्रोल मिलता है, जो दुकानदार होते हैं वो रखते हैं पेट्रोल, क्योंकि किसी को अचानक ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पेट्रोल पंप है ना यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर, कंगन से भी नीचे, कंगन में भी कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं, उससे भी नीचे पेट्रोल पंप है भुसन में, वहाँ तक तो टाइम लगता और वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँचती। लेकिन ये बेनिफिट है यहाँ पे पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल मिलता है यहाँ पर। चलो त्रोथा यहाँ पी रहा है या डाल रहा है गाड़ी को, आईने की नजर लग रहा है। पता नहीं इस वाले स्पेक्स में कैसा लग रहा हूं, जैसे गांधी जी लग रहा हूं मैं ना, गांधी जी की ऐसी स्पेक्स थी, सनग्लासेस। चलो इनको क्या बोलते हैं सूरज, ये रिक्शा, ई रिक्शा है, हाँ ई रिक्शा इलेक्ट्रॉनिक। हमारा कंगन तरक्की कर रहा है, ई रिक्शा यहाँ से आप चल रहे हैं, सही बात है। पहले पहले हम जाएंगे गैस वाले के पास, हाँ गैस लाना है, वो कुछ चीज़ें लानी है, बाकी तो हम जुनेद भाई से लाते हैं। वरना जुनेद भाई बोलेगा क्या लाना है रे, हाँ जुनेद बोलेगा तुम लोग कंगन चला दो, नहीं छोड़ूंगा मैं। बना हुआ ना तो सही कैसे ना बस बना रात सी रित्रो में बुला के उसे तो रात चिंता नोटिफिकेशन सही नहीं गम से। यहाँ पे लाई सूरज ने, ये कौन से है भाई, ये चॉकलेट, ये वाला दे दो चॉकलेट वाला। और बस बेक है, बेक है, ये वाले बिस्किट है ना, ये कितने में है, 15 का एक, ये आइए हम जित रहे थे, ये वाले दो तीन दे दो, जित रहे चोर दे।
بتہ نہ کھیو نہ کہیں یہ اس نہ یہ نہیں اس بندے کو ریورس گاڑی چلانی نہیں آتی ہے گاڑی بند ہو گئی ہے اس انڈر انڈر ڈرائیور یہ مست ہے وہ جو ارے اٹا گن آجا 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 دکھے پڑو جلدی جلدی पता नहीं है हमें कहाँ जाना है कुछ क्या दब नहीं कसू अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है जहाँ पे जाएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे वहाँ पे लोगों के साथ ये बंदा बता रहा था मैं कोई अच्छा सा कश्मीरी सॉन्ग लगाऊंगा लेकिन देखो इसने क्या लगाया हमसे को मुश्ती वहां देखो ये क्या सुन रहा है इसके चाहने वाले अगर देख रहे हैं ना तो इसको कुछ बताओ मेहरबानी करके लेकिन मस्त सॉन्ग है मजा आएगा इसको सुनने का हम सुनेंगे तब तक बाय अभी हम जिस गांव में पहुंचे थे मतलब है इसका नाम है बामिलुना बामिलुना मैं पहली बार सड़क से तो मैं आया हूँ नारानाग जहाँ से जाते लेकिन गांव में पहली बार मैंने एंटर किया है ये है इस गांव के नज़ारे सही ये वाला रोड जाता है नारानाग की तरफ बांगत नारानाग एंड बाबा नगरी भी यहाँ से जा सकते हैं वाटरफॉल वाटर रशिक जी तो अभी हम पहुंचे हैं एक जगह ये पता नहीं कितनी हाइट पे है वाह वाटरफॉल वल्ला शी वाटरफॉल माजे हंसरी असल है वाटरफॉल यहाँ पर आप सही मंदिर है शीज में से बंद था तेरी जब फायदे तेरी फायदा बेड़े ही छाल ना यहाँ से देखो ये क्या है यहाँ से ये चमना बर्न बुकता लगा ये अच्छा सा झील इसको बता सकते हैं यहाँ पे पानी जमा होता था कैनाल के लिए वाटर सप्लाई देते थे फिर पावर हाउस कंगन को पता नहीं अब ये बंद पड़ा हुआ है ये देखो पूरा बंद पड़ा हुआ है खाली खाली है यहाँ पे देखो गाड़ी मस्त धुल चुकी है वाह वाह यार छल ना पूर मिस्टर अब्रार एक हैवी ड्राइवर है जिसको रिवर्स में गाड़ी चलानी नहीं आती है अगर इसको लाइसेंस रद्द दे तो लाइसेंस रद्द होगी आपकी ژےٚ کَپٲرۍ پاے اَتٮ۪ن چھُ آب یِتھ کٔنٮ۪تھ آسان ژےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ پاے ییٚتٮ۪ن چھُ آب آسان درٛامُت پاے چھِ لیٖک گژھ بہٕ اوسُس نا اوترٕ پٮ۪ٹھ تہِ واریاہ لَگہِ ییٚتہِ چھَلان گٲڑۍ واہ کیٛاہ خوٗبصوٗرت نظارے ہیں یہاں سے میں آیا ہوں یہاں سے میرے پاپا کی ڈیوٹی تھی آیا ہوں یہاں سے آیا ہوں میں مگر دیکھو واہ 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 सुरेश साहब यहाँ पे आ रहे हैं सुरेश साहब हाउ आर यू फीलिंग व्हाट व्हाट फीलिंग व्हाट व्हाट फीलिंग काची बर्नबू के नज़ारे आप लोग ने देखे ये भी सही है ओ भाई पानी यहाँ तक आ रहा है हमने
में रखा गाड़ी को अबरार ने और गाड़ी धुल चुकी है। अपरी गुन डायरेक्ट थोड़ा पकना ब्रोह पान गाड़ी पकड़ ब्रोह पान गाड़ी जा ये इंसान चलो बिस्मिल्लाह। चलो देख लिया आपने बर्नबो के इस पॉन्ड झील तालाब तालाब का नजारा इस पर बना तालाब बर्नबो तालाब गैनवन तालाब कुलन तालाब है ना ऐसे हम बोलते हैं यहाँ से। फिलहाल पता नहीं हमें कहाँ जाना है। ओ भाई मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ गर्मी है बहुत ज्यादा पता नहीं हम कहाँ पहुंचे इस गांव को क्या बोलते हैं खानन पहुंचे हम खानन कंगन लिखा हुआ है जो ऊपर क्या यार कहाँ पे लिखा है त्रिपाल के नीचे ऊपर है मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है पता नहीं अबरार कुछ ला रहा है वहां से कुछ तो लाया अबरार ने तुझे नींद आई अल्लाह कसम नींद आई तो नहीं लिया ना पिलो अभी मुझे कायलोला फरमाने का टाइम था टाइम क्या रहा अभी सूरज वैसे टाइम क्या रहा सूरज भाई दस मिनट कम तीन तो इस टाइम मेरा जो होता है वो कायलोला बोलते हैं दोपहर के खाने के बाद जो नींद की जाती है ना उसको कायलोला बोलते हैं तो मुझे वही फरमाना था लेकिन इस अबरार ने पकड़ के लाया मुझे यहाँ से वाह चलो इसके भी अलग मजे हैं यही इस गांव के नजारे हैं यहाँ से देखो खानन है इस गांव का नाम खानन चलो मिलता है कुछ देर बाद कांदर को क्या करना है कांदर छ मैं वो मैं घर नेबर कहीं छा कांदर कांदर तू नहीं कांदर खाने के शौक क्या है नूडल्स नमकीन हम खा रहे हैं अबरार के यही शौक है अब चलना पड़ता है लोगों के साथ ही चलना पड़ता है अभी मैं ड्राइवर सीट पे आया हूँ लेकिन यहाँ पे रोड इतना खतरनाक है ना ये देखो आगे वाह ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम स्विफ्ट से हाँ लेकिन मुझे अपने ड्राइविंग पे भरोसा है मैं अच्छे से जा सकता हूँ आ सकता हूँ इंशाल्लाह काम अंजाम दूंगा इस वाले गांव में हम पहुंचे हैं ऐसा गांव है यहाँ पे जा भाई तो काम अंजाम दे हम तब तक गाड़ी को मोड़ करते हैं जय रे बाबा। तो अभी इस वाले गांव में हम पहुंचे हैं पता नहीं इसका नाम क्या है मुझे नाम पता नहीं है एंड ये देखो यहाँ से भाई क्या नज़ारे है यहाँ के वो देखो वो लोग कहाँ पे रहते हैं ऊपर ऊपर से वाह। हाँ जी तो अभी हम पहुंचे हैं बाबा नगरी मियां अल्ताफ जो कंगन का MLA है ना और मियां बशीर साहब उनकी यहाँ पे ज़ियारत शरीफ है अभी अबरार बोल रहे हैं हम अंदर जाएंगे यहाँ से कुछ व्यू दिखता है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके दिखाता हूँ ये है अभी हम अंदर जाते हैं अगर वहाँ पे अलो किया तो उठाऊंगा मैं कुछ क्लिप्स तो आपको भी दिखाऊंगा ओके पहले हम जाते वहीं चलो। हाँ जी फाइनली वी आर हियर एट बाबा नगरी तो अभी हम बैतुल खुला मतलब वाशरूम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम वुज़ू बनाएंगे क्योंकि ज़ियारत पे जाना है। यह है ज़ियारत शरीफ के कुछ नज़ारे यहाँ से जाते हैं वॉशरूम तारे हाँ जी ये है यहाँ की मस्जिद शरीफ जहाँ पे जुमा वुमा अदा करते हैं नमाज अदा करते हैं एंड यहाँ से ऊपर है ज़ियारत ऊपर तो अभी वहाँ पे हम नहीं गए हमारा एक बंदा था वो पता नहीं कहाँ गया उसी को हम ढूंढ रहे हैं अबरार को
अबरार को ढूंढना है जरूरी। ना मजा है सूरज, सुकून है भाई, है ना सुकून यहाँ पे, ताजी ताजी हवाएं चल रही है पहाड़ियों के बीच में, ये ज्यारत शरीफ है यहाँ ऊपर वहां पे, और ये शायद इनका घर है, मियां अल्ताफ साहब का घर ये है। ये देखिए यहाँ के नज़ारे माशाल्लाह, और वहाँ पे है ज़ियारत शरीफ जहाँ पे उनको सुपर दिखा किया गया है, दफनाया गया है। तारे तारे मत्सरा राज़ हाज़ ब्यूट करने था।